लॉकडाउन के दौरान शहरों से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। इन प्रवासी मजदूरों को तत्काल रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है। अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार मनरेगा योजना के माध्यम से श्रमिकों को 125 दिनों तक अलग अलग कामों में रोजगार मुहैया करा रही है। बुंदेलखंड अंचल के सागर जिले में भी व्यापक स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत विकास कार्य किए जा रहे हैं। गाँव पे काम भी मिलने लगा है पंचायत द्वारा, तो उसमें हमने स्टार्टअप में काम किया। गांव वापस आए तो यहाँ पे फिर रोजगार भी मिला, सरकारी काम तो वहाँ पे करने लगे हैं। काम सर अपने गांव में मिलेगा तो सही है, और मतलब अच्छा लग रहा है यहीं गांव में। सागर जिले की 755 ग्राम पंचायतों में से 752 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत अनेक रोजगार मूलक कार्य शुरू किए गए हैं। गाँव में खेत तालाब, ग्रामीण सड़क, मेड़ बंधान, कपिल धारा, कूप और बारिश के मौसम में कंटूर ट्रेंच बनाए जा रहे हैं। मनरेगा के काम के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी सावधानियों का खास ख्याल रखा जा रहा है। अगर मुझे 12 महीना काम मिलेगा तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, और मेरी नहीं है कि मैं बाहर जाने की जरूरी है। आप मंजूरी दोगे तो मैं यहीं रहेंगे, यहीं काम करेंगे। इस तरीके से हमने जो है जितने भी मजदूर आए हैं उन्हें किस तरीके से रोजगार दिया जाए, कुशल हो चाहे अकुशल श्रमिक हो, दोनों के ही लिए हम लोग निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं। मनरेगा के तहत शुरू किए गए विकास कार्य मजदूर वर्ग के लिए कोरोना संकट के समय राहत देने का काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही गांव को विकास की राह भी दिखा रहे हैं। सागर से कृष्णकांत नगाइच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD News भोपाल।